मैंने पहले ही कहा था उन सारे ओबरॉयज को मार देते हैं, एक ही बार किस्सा खत्म। लेकिन आप, लेकिन उससे मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। पूरी जिंदगी जो मैंने सहा है, जो झेला है, जो बर्दाश्त किया है वीर, उसका बदला एक आसान सी मौत नहीं हो सकती। मैं ओबरॉयज को तिल तिल मरता देखना चाहती हूँ, तिल तिल। चाहता तो मैं भी यही हूं माँ, लेकिन तुम देख रही हो कि ये कितना मुश्किल है। और ये मुश्किल आसान करेगा कल्याणी मिल्स का राज। कल्याणी मिल्स का राज, कल्याणी मिल्स का राज, हजार मर्तबा पूछ चुका हूँ, क्या है कल्याणी मिल्स का राज? सही वक्त का इंतजार कर रही थी बेटा, और मुझे लगता है सही वक्त आ गया है। अब वो राज बाहर लाना ही पड़ेगा, तब शिवाय और ये अनिका टूटेंगे, तब ओबरॉयज टूटेंगे। अनिका और शिवाय, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी इश्कबाजी पर देखना, जिस दिन कल्याणी मिल का सच बाहर आ गया ना, उस दिन ये इश्कबाजी नफरत बाजी में बदल जाएगी। कल्याणी मिल की आग तुम दोनों को भी चला देगी, प्यार, विश्वास और ये रिश्ता सब चल के राख हो जाएगा। स्वेतलाना ने ऐसा क्यों कहा कि कल्याणी मिल का राज मेरे और अनिका के रिश्ते को खत्म कर देगा? अनिका का कल्याणी मिल से क्या कनेक्शन? Go to hell. शिवाय को पता ही नहीं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक ओबरॉय है। और कौन है वो ओबरॉय जो वीर के साथ मिला हुआ है? क्यों वो हमें बर्बाद करना चाहता है? जब तक मैं इन सारे सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और ये सारे सवाल कल्याणी मिल के राज के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब मुंह दिखाई की रस्म भी हो गई है, तो बहुत नींद आ रही है, हम लोग सोने जाएं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे। मैं इस घर में बचपन से रह रहा हूँ, मुझे रास्ता पता है, जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तू यहीं रुक, तेरे को नहीं जाना है ना रूम में? ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं ऐसा, मुझे जाना है। तो चुप कर। अच्छा करी? अंताक्षरी खेलते ना रात भर? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। शिवाय चलिए ना, चलिए। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, नुसरतलाना अभी जेल चली गई है, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। नहीं, मत भूलिए, उस श्वेतलाना ने जाते जाते कल्याणी मिल्स का जिक्र किया था, और मेरा शिवाय जब तक वो राज नहीं जान लेता, वो चैन से नहीं बैठेगा। प्लीज पिंकी, डोंट स्टार्ट दिस टॉपिक अगेन। मैं तो चुप हो जाऊंगी जेठ जी, पर शिवाय को कौन चुप कराएगा? अब तो माता रानी से अरदास कीजिए कि बस शिवाय को ये राज कभी पता ना चले। माँ, क्या है कल्याणी मिल्स का राज? बताऊंगी, आज मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल्याणी मिल का राज पता लगा के ही रहूंगा। से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी, जब सिर्फ आप और मैं, बिना किसी डर, बिना किसी टेंशन, बिना उस 8 फुट के लंबू की दहशत के।
जिसने पहले हमारा कुआं में जीना हराम किया और अब उसके चक्कर में मुझे रोजी रानी बनना पड़ा। अब लगता है ना अपना घर अपना, जैसे सब कुछ ठीक हो। नहीं आनेका, सब कुछ ठीक नहीं है। वो वीर सिर्फ इस घर से गया, हमारी जिंदगी से नहीं। पता नहीं क्यों होने कहा, पर मुझे लग रहा है कि वीर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। I have to just... मतलब हर वक्त आप उस वीर के बारे में सोचते रहते हैं। वीर ना हुए जैसे मेरी कोई सौतन हो गई हो। मतलब मेरी किस्मत भी देख रहे हैं आप। दाढ़ी वाली 8 फुट की सूट बूट वाली मुझे सौतन मिली है। आइए मेरे पास, क्या हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के कुछ पल साथ नहीं बता सकते? कुछ पल नहीं, पूरी जिंदगी।